नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DEDSCVI RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है दृष्टि क्षमता का मापन, मेजरमेंट ऑफ विजुअली एबिलिटी। आंख की दृष्टि क्षमता केंद्रीय दृष्टि तीक्ष्णता स्नेलन चार्ट से मापा जाता है। इस चार्ट को दत्त चिकित्सक हर्बर्ट स्नेलन ने विकसित किया था। सामान्यतः इस चार्ट में अक्षरें 8 कतारों रोज में सजी होती हैं। ये वैसे व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होता है, लेकिन युवाओं और अनपढ़ व्यक्तियों की दृष्टि क्षमता मापन करने वाले चार्ट में अंग्रेजी वर्णमाला का ई अक्षर विभिन्न आकारों और स्थितियों में सुसज्जित होती है। चार्ट में 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 और 200 फीट की दूरी से दिखने वाली 8 कतारें होती हैं। सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि क्षमता 20 फीट की दूरी से जांची जाती है। यदि वह व्यक्ति 20 फीट से दिखने वाली कतार में सजे अक्षरों को सही सलामत देख लेता है तो दृष्टि की दूर बिंदु फार पॉइंट के लिए उसकी केंद्रीय दृष्टि तीक्ष्णता सेंटर विजन एक्यूटी 20/20 मान ली जाती है। यदि वह 70 फीट से दिखने वाली कतार के बड़े अक्षरों को ही देखने में समर्थ हो तो दूर दराज के लिए उस व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 मान ली जाती है। वैज्ञानिक स्नेलन चार्ट को किसी दृष्टि अक्षमताग्रस्त व्यक्ति की आंखों के पढ़ने की क्षमता मापन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानते हैं। इसके न्यूनतम दो कारण गिनाए जा रहे हैं। प्रथमतः यह चार्ट दूर की चीजों के परीक्षण में दृष्टि तीक्ष्णता विजुअल एक्यूटी का मापन करता है, न कि नजदीक की चीजों के परिप्रेक्ष्य में। कई तरह की शैक्षिक गतिविधि खासकर पढ़ने के लिए निकट दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में दृष्टि तीक्ष्णता के मापन की जरूरत होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां भी उपलब्ध हैं। द्वितीय स्नेलन चार्ट को व्यक्ति के प्रिंटेड सामग्रियों के पढ़ने की क्षमता के आकलन के लिए भी बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि दृष्टि तीक्ष्णता हमेशा दृष्टि कार्यक्षमता विजुअल इफिशियंसी के अनुरूप नहीं होता है। दृष्टिबाधित बच्चों के दृष्टि क्षमता मापन के साथ साथ उनके बौद्धिक क्षमता जांच करना भी जरूरी होता है। बौद्धिक क्षमता जांच के लिए निम्नलिखित परीक्षण उपयोगी हैं: इट्रिम हाइजेज वीनन टेस्ट, पार्किंस वीनन कार्ल डेविस रिवीजन टेस्ट, तीसरा वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन WISC, चौथा विथोबा पनिक्कर परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर बॉयज, पांचवा द हैप्टिक इंटेलिजेंस स्केल फॉर एडल्ट ब्लाइंड, क्रम संख्या 6 कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्रम संख्या 7 स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रम संख्या 8 इलियंस टेस्ट ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक एबिलिटी, क्रम संख्या 9 बोहेम्स टेस्ट बेसिक कंसेप्ट, क्रम संख्या 10 भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रम संख्या 11 कामत मिजरिंग इंटेलिजेंस एमांग इंडियन चिल्ड्रेन। बच्चों के व्यवहार और सामाजिक विकास लक्षणों को परखने के लिए निम्नलिखित परीक्षण उपलब्ध हैं: बेले स्केल ऑफ इफेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा डेनवर डेवलपमेंट स्कैनिंग टेस्ट और तीसरा मैक्सफील्ड पुच सोशल मैच्योरिटी स्केल फॉर ब्लाइंड प्री स्कूल चिल्ड्रेन, चौथा वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट। दृष्टि क्षमता मापन में निम्नलिखित परीक्षण उपयोगी होते हैं: पहला विजुअल इफिशियंसी स्केल, दूसरा इवैल्यूएटिंग फंक्शनल विजन। तो साथियों, यहाँ पर दृष्टि क्षमता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। आप लोगों को लगभग 15 टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, या 4 अंकीय जो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 4-4 उसमें अंक आते हैं, किस तरीके से आपको चुनना होता है, उसमें भी
इस तरीके के टेस्टों के बारे में पूछा जाता है। आशा है आप इसको दोहराएंगे और समझकर अपनी परीक्षा में इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।